जहाँ तक आवाज जा रही है पता है मैंने आज विधानसभा का चुनाव आपके सामने है और आपको फैसला देना है कि जो खट्टर सरकार हरियाणा में आई 5 साल पहले श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में सरकार बनी हरियाणा के अंदर, इस सरकार ने कैसे काम किए मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। इस सरकार ने हरियाणा में बड़ा नुकसान किया, हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया। कोई वर्ग, एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जो इस सरकार ने जिस वर्ग के लिए कोई बड़ा फैसला, कोई राहत का काम किया हो। जो हरियाणा विकास के मामले में देश में नंबर एक पे जिसकी गिनती होती थी, निवेश के मामले में नंबर एक की गिनती होती थी, एक कोई विकास की परियोजना अपने रोहतक में या पूरे हरियाणा में ये नहीं गिनवा सकते 5 साल की सरकार में, एक कोई विकास की इन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी परियोजना लेके आए। कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई रेल की लाइन नहीं, कोई मेट्रो नहीं, कोई नया नेशनल हाईवे नहीं। ये जो नेशनल हाईवे आप देख रहे हैं, आपको पता है 2013 में ये जो सोनीपत खरखोदा से सांपला होते हुए गजर जाएगा, 2013 में मैंने मंजूर कराया था और बड़ी मुश्किल से 2018 में इसका मैंने काम शुरू कराया और बारी बारी संसद में उठा के फिर जो युगवीर मलिक सेक्रेटरी लगे तब जाके इसका, भारत सरकार के सेक्रेटरी लगे भैंसवाल के थे, तब जाके इसका काम शुरू हुआ। कुल मिला के नए काम तो कुछ किए नहीं, पुराने भी जो काम थे उनको भी जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया, बड़ी मुश्किलों से काम शुरू हुआ। हर वर्ग को चोट पहुंचाई, किसान को उसका भाव नहीं मिला, दर दर ठोकरें खानी पड़ी, 500 साल जो वृद्धि होनी चाहिए थी न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि नहीं मिली, गरीब आदमी को जो है सारी स्कीम्स गरीब आदमी की बंद हो गई, 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी, जिनको प्लॉट नहीं मिले उनको मना कर दिया कि प्लॉट नहीं ले रहे, जहाँ प्लॉट मिल गए थे वो लिख दिया काम नहीं होना, नीचे मनोहर लाल के नीचे दस्तखत कर दिए मनोहर लाल खट्टर, इतना गरीब आदमी को प्लॉट नहीं मिलने चाहिए, जो मिल गए थे उन पर कॉलोनियों पर काम नहीं होना चाहिए, मकान की स्कीम बंद कर दी, जो अपना गरीब आदमी के मकान आते थे उसको वो स्कीम बंद कर दी, दाल रोटी की स्कीम बंद कर दी, मनरेगा की योजना सहारा होता था गरीब आदमी का वो खत्म कर दी, अम्बेडकर वजीफा योजना खत्म कर दी, गरीब आदमी के एससी वर्ग के भाइयों के अधिकारों को रविदास मंदिर को तोड़ने का काम हुआ। तो चाहे गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, जैसे बता रहे थे हरियाणा में बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में पैदा करती, एक कोई इंडस्ट्री आई नहीं, निवेश हुआ नहीं, हरियाणा की अर्थव्यवस्था का बैंड बजा दिया इस सरकार ने, इतनी मंदी आ गई, आप सामना बाजार में जाके पूछो, कोई भी दुकानदार हो सकता है समर्थक हो उससे आप पूछो कि ये मंदी कब तक रहेगी, वो कहेंगे जब तक बीजेपी रहेगी तब तक मंदी रहेगी, इतना बड़ा हाल इन्होंने कर दिया। बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी, जैसे अभी चंद्रवती शर्मा बता रहे थे 28% बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर करने का काम किया इस खट्टर सरकार ने। ये खट्टर सरकार नहीं, ये खटारा सरकार है और इस खटारा सरकार से पेंडा छुटाने का ये मौका है, इस मौके को चूकना मत। इस सरकार को पैक कराते इसको अपना जो है, और घमंड इतना एक काम जरूर किया, आपस में भाईचारे कमजोर किया, एक दूसरा काम किया घमंड में और अहंकार में, किसी की सुनवाई नहीं, कोई नहीं सुन, कोई किसी की कोई सुनवाई नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, किसी जो है किसी से बात करके सुनवाई करते, कोई समस्या का समाधान करने में विश्वास नहीं रखते लोग, किसी की कोई सुनवाई नहीं और घमंड में